हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे LDC रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम, रेलवे विभागीय परीक्षा। ये आप रीटिंग क्वेश्चन पेपर है, पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन है 221 से लेकर 250 तक का क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका है, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ETNC, सेंटिंग मास्टर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी वीडियो में ऑपरेटिंग क्वेश्चन पेपर से संबंधित है वो प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। ऑपरेटिंग क्वेश्चन पेपर प्लेलिस्ट में इसी के नाम से दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, 221 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले 220 तक का क्वेश्चन प्लेलिस्ट में मेरे देख सकते हैं, ऑपरेटिंग क्वेश्चन पेपर के नाम से सेव किया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप 221 नंबर का क्या कह रहा है, डॉट डॉट के बाद बुलावा सिग्नल को आप किया जाएगा। तो ये कह रहा है गाड़ी खड़ी होने पर, क्या है गाड़ी खड़ी होने पर, गाड़ी खड़ी गाड़ी खड़ी होने के बाद बुलावा सिग्नल को ऑफ किया जाएगा। 222 नंबर का क्वेश्चन, सिग्नल एक सहायक सिग्नल है, क्या है एक सहायक सिग्नल है, संड सिग्नल एक सहायक सिग्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223 नंबर, सामान्य स्थिति में IBS रोशनी दिखाता है, तो लाल रोशनी दिखाता है, लाल रोशनी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224 नंबर का क्वेश्चन है, रिपीटिंग सिग्नल खराब होने के दौरान अधिकार पत्र दिया जाएगा, तो नील, कोई अधिकार पत्र नहीं दिया जाएगा। रिपीटिंग सिग्नल खराब होने के दौरान कोई अधिकार पत्र नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 नंबर का क्वेश्चन है, खराब हो सिग्नल को पार करते समय कांटों पर गति कितने केम्पे से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 15 के एमपीएस से अधिक नहीं होनी चाहिए। 226 नंबर का क्वेश्चन है, सतर्कता आदेश का नंबर होता है, तो ये होता है T/409। नील सतर्कता आदेश का नंबर होता है T/409 और रिमाइंडर सतर्कता आदेश का नंबर होता है T/B/409। इस तरह से तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति में धुंध और कोहरे के मौसम में TSL के दौरान प्रथम गाड़ी की गति कितने के एमपीएस से होगी, तो 25 के एमपीएस से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में धुंध और कोहरे के मौसम में TSL के दौरान प्रथम गाड़ी की गति 25 के एमपीएस से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230 नंबर का क्वेश्चन, पूर्ण ब्लॉक पद्धति में धुंध और कोहरे के मौसम में TSL के दौरान दूसरी गाड़ी की गति कितने के एम्पीयर से अधिक नहीं होगी। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में धुंध और कोहरे के मौसम में TSL के दौरान दूसरी गाड़ी की अधिकतम गति नहीं होगी, यह 60 के एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के द्वारा लोको पायलट को पटाखा सिग्नल की आपूर्ति की जाएगी, तो कहाँ से, लॉबी इंचार्ज द्वारा की जाएगी, लॉबी इंचार्ज, तो लॉबी का इंचार्ज हो जाए वहां से पटाखा सिग्नल की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम सिग्नल ऑफ करने के लिए स्टार्टर सिग्नल के आगे जो पर्याप्त दूरी होती है उसे कहते हैं, तो सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूप लाइन पर गाड़ी लेते समय दूरवर्ती सिरे के कांटे सामान्यतः मेन लाइन के लिए सेट होने चाहिए, क्या मेन लाइन लिख दिया गया है, पहले से लिख दिया गया, भरना यही था।
लूप लाइन पर गाड़ी लेते समय दूरवर्ती सिरे के कांटे सामान्यतः मेन लाइन के लिए सेट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्केडिंग की क्षमता होती है तो पूरी गाड़ी की लंबाई के बराबर। क्या होता है? पूरी गाड़ी की लंबाई के बराबर। लंबाई के बराबर स्लिप स्लाइडिंग की क्षमता होती है 2 या 3 वाहनों की, तीन या चार वाहन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 336 नंबर का क्वेश्चन है, यदि स्टेशन मास्टर हार्ट सिग्नल का आदान प्रदान ना करे तो लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगी? तो छोटी सीटी बजाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्यता परीक्षण स्थल स्टेशन भवन से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 238 नंबर का क्वेश्चन है, हूटर बजने का अर्थ उसी स्टेशन पर मालगाड़ी दुर्घटना हुई है। तो अगर दो हूटर बजते हैं तो हूटर बजने का अर्थ उसी स्टेशन पर मालगाड़ी दुर्घटना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक फॉरवर्ड में डॉट डॉट स्टेशन का प्रस्थान प्राइवेट नंबर सेंटिंग आदेश पर लिखा जाता है तो उसी स्टेशन का। ब्लॉक फॉरवर्ड में उसी स्टेशन का प्राइवेट नंबर सेंटिंग इस आदेश पर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 240 नंबर का क्वेश्चन है, टर्मिनल स्टेशन बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप होता है तो नील होता है? नहीं, कुछ न कोई नहीं होता, ओवरलैप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में बाजू वाली लाइन की ओएचई खराब होने पर खंड में गाड़ी की गति कितनी होगी? तो 60 KMPH होगी। दिन में बाजू वाली लाइन की ओएचई खराब होने पर खंड में गाड़ी की अधिकतम गति 60 KMPH होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल को खतरे की स्थिति में पार करना दुर्घटना माना जाता है, सांकेतिक दुर्घटना माना जाता है। सांकेतिक दुर्घटना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 में 1 का चढ़ाव हो तो साइडिंग बनाई जाती है, स्लिप साइडिंग। 100 में 1 का चढ़ाव हो तो स्लिप साइडिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 244 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम अनुवेग से गाड़ी चलाने पर उसके द्वारा लिया गया समय कहलाता है, न्यूनतम समय चलन समय, मिनिमम रनिंग टाइम, न्यूनतम चलन समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्ड स्पीड से गाड़ी चलने पर 2 स्टेशनों के बीच लगने वाला समय कहलाता है, सामान्य समय चरण, नॉर्मल। समय नॉर्मल इसका होगा मिनिमम रनिंग टाइम, इसका मिनिमम रनिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 246 नंबर का क्वेश्चन, स्टेशन सीमा डॉट डॉट के बीच का भाग होता है तो वाह्यतम सिग्नलों के बीच का। वो स्टेशन सीमा वाह्यतम सिग्नलों के बीच का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रेल के प्राधिकृत अधिकारी होते हैं, COM होते हैं, चीफ ऑपरेशन मैनेजर, या PCM हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध स्वचल सिग्नल के ए मार्कर प्रज्वलित का अर्थ होता है कि स्वचलित की तरह कार्य कर रहा है। कार्य कर रहा है अर्ध स्वचल सिग्नल ए मार्कर प्रज्वलित का अर्थ है स्वचलित की तरह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक ओवरलैप 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में होता है 400 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक ओवरलैप बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में होता है 180 मीटर। ब्लॉक ओवरलैप बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में 180 मीटर होता है और दो संकेतीय सिग्नल व्यवस्था में 400 मीटर होता है। इस तरह से 250 तक का क्वेश्चन सॉल्व है। अगला वीडियो पार्ट नंबर 8 लेकर आएंगे, जिसमें रहेगा 251 से लेके 275 तक का क्वेश्चन रहेगा, 275 तक का क्वेश्चन रहेगा। यदि वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्त।